नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार विधानमंडल में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग सवालों को, अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है। इससे बिहार सरकार से इन समस्याओं का समाधान मांगा जा रहा है। और अगर आज के सत्र की बात की जाए तो उसमें कई सारी बातें ही हुई। शिक्षा को लेकर बात हुई, स्वास्थ्य को लेकर बात हुई, बढ़ते हुए कोरोना मामले को लेकर बात हुई। और अब ऐसे में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अपना बयान जारी किया है। दरअसल शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए अभिभावकों पर और साथ ही साथ बच्चों पर भी। इसके अलावा संजय सरावगी क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। शुरू में सरकार ने विधानसभा में कहा था कि आपदा के अलावा जो सर्पदंश से मौत होगी उसको अन्य वन्य जीवियों प्राणियों के जो 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है उसमें सर्पदंश से भी मुआवजा 5 लाख का दिया जाएगा, क्योंकि सर्प भी वन्य प्राणी की श्रेणी में आता है। तो नहीं मिल रहा था राज्य में, तो हम लोग सरकार के कहने के बावजूद तो हम लोगों ने फिर से विधानसभा में उठाया है। तो फिर जो है आज उसका जवाब था, फिर माननीय मंत्री जी ने उसको आपदा विभाग में डाइवर्ट किया है। जबकि आपदा विभाग तो आपदा के समय जो सर्पदंश हो या अन्य आपदा आती है उसमें वो राशि दी जाती है, लेकिन सवाल ये था कि आपदा के अलावा तो उसमें लुंग दिया है। माननीय स्पीकर साहब ने खुद कहा है कि मैं भी इसको देखूंगा और डिप्टी सीएम साहब, संसदीय कार्य मंत्री और जो आपदा मंत्री हैं और वन्य मंत्री हैं वो सब मिलके बैठ के इसका निर्णय करें। गड़बड़ी हो जाती है, 4 बार डाइवर्ट करने की नौबत आ गई। नहीं, डाइवर्ट तो 2 बार ही हुआ है, 4 बार नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर डाइवर्ट हुआ है। तो मानते हैं कहाँ गड़बड़ी हो रही है? नहीं, वो तो विभाग ही बताएगा और पदाधिकारी और माननीय मंत्री जी ही बता पाएंगे। लगातार उठा है सदन में, जो कोरोना का काल था उसमें निजी स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लास होते थे, तो उसमें उन लोग को मर्सी दिखानी चाहिए। और सरकार की तरफ से पत्र भी उसमें निदेशक ने कहा था उस समय कि भाई जो निजी विद्यालय हैं उनको जो है मर्सी दिखानी चाहिए, राशि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन शिकायतें आ रही है कि गाड़ी भाड़ा भी लिया जा रहा है, पूरा जो है पढ़ाने का पैसा लिया जा, अन्य जो भी है। तो उसमें सरकार ने कहा है कि इसको गंभीरता से हम लोग देखेंगे, इसकी बैठक बुला के जो भी निराकरण होगा। लेकिन जो निजी विद्यालय हैं उनके भी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा जो है इस बात का ध्यान देना चाहिए कि 1 साल कोरोना का पीरियड रहा है, लोगों की आमदनी घटी है, पैसे लोग नहीं आया, उसमें विद्यालय चला भी नहीं, ऑनलाइन जूम के माध्यम से क्लासेस होते थे कुछ कुछ। तो सरकार ने कहा है कि इसको हम लोग देखेंगे। स्कूल मनमानी लगातार कर रही है? हाँ, निश्चित रूप से ये तो मनमानी हो ही रही है ना। 1 साल से क्लास नहीं हुआ, जूम के माध्यम से थोड़ा बहुत क्लास हुआ, तब भी आप सारा पैसा ले रहे हैं, गाड़ी भाड़ा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, ये तो सही नहीं है। बच्चों को निकालने की बात भी करते हैं? हाँ, नहीं, वो तो बोले सर, आया था विधानसभा में, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इसको हम लोग जो गंभीरता से लेंगे।